A sweet, a darling personality of Big Boss Season 8, Sushant बाहर आ चुके हैं Big Boss के घर से. Why Sushant? Why am I out? Yeah. मुझे लगता है कि अभी I think personally मेरे हिसाब से घर का माहौल बहुत ही बिगड़ गया है. वो घर अभी घर नहीं रहा, वो अखाड़ा हो गया. और जो खुले सांड अभी इधर उधर घूम रहे हैं, एक दो जेल के अंदर बंद किए गए हैं, उनको अगर रिहा किया जाए तो मुझे लगता है पूरा सेट नीचे आ जाएगा. वो घर घर नहीं रहेगा और ये कहानी हर घर की नहीं होती. तो मुझे लगता है कि ये अच्छे टाइम पे मैं निकला हूँ. मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इस शो का पार्ट हुआ. मैंने बहुत अच्छे लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, बहुत अच्छे दोस्त बनाए. कई लोग दोस्त नहीं बने, कोई बात नहीं. तो हाँ, आई थिंक मैं आउट हुआ हूँ क्योंकि मैं उस लेवल पे, अगर उसको एंटरटेनमेंट कहा जाता है, एक दूसरे को गाली देना, ये गलत फहमी होती है क्योंकि बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने गाली नहीं निकाली है. तो अगर लोग सोचते हैं कि हाँ बिग बॉस पे कॉन्ट्रोवर्सी, ये वो, एक दूसरे को गाली, ये गलत होता है क्योंकि हम आराम से भी रह सकते हैं और आराम से रह रहे हैं थोड़े लोग बाय द वे अंदर अभी भी. ये थोड़ा मिसकंसेप्शन रहता है लोगों का कि अगर आप गाली गलौज करो, एक दूसरे को वहाँ बन के गाली दो, तो आप यू नो कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाते हैं और फिर आप आगे चले जाते हैं. क्योंकि क्या इसमें क्या एंटरटेनमेंट है, आप मुझे बताइए. आप थके हारे आते हो जॉब से किसी को माँ बहन की गाली दे सुनने के लिए, ये एंटरटेनमेंट नहीं होता. और अगर ये है तो आप सीधा मानसिक आपका थोड़ा इलाज करवा दीजिए. क्या लगता है सबसे ज़्यादा कौन गेमिंग और प्लॉटिंग मतलब जो कर रहा है? मुझे लगता है पुनीत जी और गौतम. मुझे लगता है गौतम फिर भी वो पपेट हैं. आप उनको बोलो यू नो ओके जाके खाना खाओ, मेरे लिए खाना लाओ, जाके टॉयलेट करो, जाके अपना बेड बनाओ, वो करता है. तो आई थिंक उनका सिर्फ देखने के लिए उनकी सिर्फ बॉडी अच्छी है. अगर अंदर झांक के देखो तो 20 लोगों से बात करनी पड़ती है एक साथ क्योंकि उनकी इतनी सारी पर्सनालिटीज़ हैं. और पुनीत जी, मुझे लगता है पुनीत जी को अभी घर जाना चाहिए क्योंकि उनको बहुत याद आती है. तो आई थिंक अगर इतनी याद आती है तो उनको अपने ही बैग्स लेके जेल अभी जो बल का प्रयोग करना चाहिए तभी नहीं कर रहे. जेल तोड़ के जाओ ना घर, इतना बल का प्रयोग करना है तो जाइए. तो एक कंटेस्टेंट पे आप कैसे हावी हो सकते हो और अपने मार्शल आर्ट्स टेक्निक किसको किसने क्या आएगी क्या है, WWF चल रहा है इधर, तो मतलब यू नो तो ये थोड़ा डरावना हो चुका था. तो मुझे लगता है कि अच्छा हुआ कि मैंने किसी को नहीं पटका और मैं पटका भी नहीं, पटका गया नहीं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये. अच्छा, क्या मिस करने वाले सबसे ज़्यादा? आई थिंक मैं सबसे ज़्यादा घर को ही मिस करूँगा क्योंकि बिग बॉस ने एक बहुत ही प्यारा घर बनाया था और बहुत ही एक जो आर्किटेक्चर, जो आर्ट डायरेक्टर ने इतना प्यारा घर बनाया है. एंड ऑनेस्टली क्योंकि वो वुडन, यू नो दैट फील, फिर वो एरोप्लेन में से निकल के घर में जाना, वो भी एक एक्सपीरियंस होता है. कहाँ ज़्यादा इन्जॉय किया? आई थिंक एरोप्लेन में ज़्यादा हम लोग एक दूसरे के साथ थे अगर आप नोटिस करें तो, क्योंकि वो एक बहुत ही क्लोज्ड एरिया थी. तो आप ये नहीं कह सकते थे कि अच्छा मेरे को यू नो मुझे जाना है, मुझे थोड़ा पर्सनल स्पेस चाहिए एंड ऑल दैट, और फिर एक रूम में बंद करके 2 घंटे किसी का प्रेशर रोक के आपको क्या खुशी मिलेगी, आपको बददुआएं मिलेगी ना. तो ऐसे तो नहीं था. तो एरोप्लेन में बैठ के तो वहीं पर बात होती थी, वहीं पर ख़त्म होती थी बात. अगर कोई किसी को प्रॉब्लम होता था तो वहीं पर ख़त्म कर लेते थे. यहाँ पर क्या होता था कि एक रूम में ये, एक रूम में वो, इधर चैचा चूचू, उधर गॉसिप, इधर गॉसिप, तो रिजॉल्व ही नहीं हो पाता था. ये प्रॉब्लम था क्योंकि अगर आप एक एनक्लोज स्पेस में हो तो सब साथ में बैठते हैं क्योंकि आपको कोई दूसरा चारा ही नहीं है. तो एरोप्लेन में मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि हम लोग मतलब ऐसे हाथ भी मारते हो किसी को लग जाता था, तो इतना क्लोज थे हम लोग, नॉट ओनली इमोशनली बट इवन फिजिकली, क्योंकि वो जैसे सीट्स होते हैं एक एरोप्लेन में वैसे सीट्स थे. तो आई थिंक दैट वॉज वेरी फन. और हाँ, ये बात अलग थी कि लोगों को लगता है कि ओ माय गॉड बिग बॉस एंड ऑल दैट, बट हम लोग 14 लोग या 15 लोग एक ही बाथरूम शेयर कर रहे थे, तो ओ माय गॉड करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग जब देखते थे टॉयलेट ओ माय गॉड हो जाता था. तो ऐसा भी था
तो मुझे लगता है कि बहुत ही टफ कंडीशंस थे इस बार और बहुत लोगों को बैक प्रॉब्लम्स हुई हैं, बहुत लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया की प्रॉब्लम, पुनी जी को बहुत सारे प्रॉब्लम है, वही मैं बोल रहा हूँ ना कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो ज़रा उम्र का लिहाज कीजिए, आप बहुत अच्छे हैं, मैं उनको जानता हूँ बाहर से भी बहुत अच्छे हैं, तो आप आइए ना, हम लोग खाना खाते बाहर। आप पुनी जी को बाहर बुलाना चाहते हैं आपके साथ डिनर के लिए? मुझे तो लगता है उनको पहले ही आना चाहिए था, तो तब तो इन ये लोग मरते नहीं ना ऐसे ऐसे तो आधे मरे हुए कंटेस्टेंट्स आप क्यों देखना चाहोगे। अच्छा, वहाँ का एक मेमोरेबल मोमेंट कहा जाएगा तो कौन सा रहा? मुझे मेरे हिसाब से जब रेखा जी ने मुझे साड़ी दी थी एक एपिसोड में, तो वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल रहा है और आई थिंक ऑब्वियसली हमेशा रहेगा। क्या लगता है कौन आगे तक जाएगा, कौन जीतेगा बिग बॉस? मेरे हिसाब से विनर के जो अगर फाइनलिस्ट अगर तीन चार या चार पांच फाइनलिस्ट होंगे तो मुझे लगता है वो प्रीतम, इन दैट ऑर्डर प्रीतम, उपेन, आर्या, डायंड्रा एंड अगर गौतम, मैंने जैसे कि कहा अपने आप को छुरा नहीं बौखे उधर, तो वो जा सकते हैं अगर उन्होंने 19 जो अपनी पर्सनालिटीज़ हैं उनको दबा के एक ही अपना गौतम दिखाया, तो वो बहुत और भी बहुत उभर के आएंगे सामने, क्योंकि अभी वो बहुत एंटरटेनिंग लग रहे हैं, क्योंकि 20 लोगों का एंटरटेनमेंट देते हैं ना वो अपने अंदर में से। तो चले जाते जाते क्या कहेंगे ऑडियंस से? मुझे लगता है कि बिग बॉस का सफ़र मेरा बहुत अच्छा रहा, और ये मिसकंसेप्शन अगर आपको है कि बिग बॉस के घर में सिर्फ ड्रामा और गॉसिप और ये सब होता है, तो किसी हद तक आप ठीक हो, बट कम्प्लीटली ठीक नहीं है। हम लोग बहुत मज़े करते हैं, शायद आपको आप लोगों को ये दिखाया नहीं जा सकता 40 मिनट के शो में, एक घंटे के शो में, बट इसीलिए उन्होंने लाइव फीड का इस बार बहुत अच्छे तरह से यूज़ किया है, ताकि आप हर सदस्य को और करीबी से जान सको। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ की है और ये कंटिन्यू करनी चाहिए। और हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा इस शो पे होके और अपने एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट दे के आप लोगों को, और ये लास्ट नहीं है, हम लोग मैं आऊँगा, वापस आऊँगा इस शो पे नहीं, बट आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए डेफिनेटली आई थिंक, या सो लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। कैमरामैन फजान के साथ मुख्यमंत्री फॉर टेली मसाला। हाय, दिस इज सुशांत और आप देख रहे हैं टेली मसाला।